नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी सपोर्ट के चैनल में। बोल रहा हूँ एसजी फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में मैनकाइंड का प्रेगा न्यूज़, जिसका इस्तेमाल करना आज मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पता हो जाएगा कि महिला प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। प्रेगा न्यूज़ का इस्तेमाल महिला या फिर लड़कियों की प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है महिला या फिर लड़की की मूत्र के द्वारा, मतलब उसके पेशाब या फिर यूरिन के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ जैसा कि मैंने इस बाउल में ले लिया है फ्रेंड, सुबह की पेशाब की ज़रूरत होती है, मतलब सुबह की यूरिन की ज़रूरत होती है महिला या फिर लड़की की, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आज मैं टेस्ट करूँगा इस किट की मदद से कि महिला प्रेग्नेंट है या फिर नहीं प्रेग्नेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप जान सकें कि ये सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, या फिर महिला प्रेग्नेंट है या फिर नहीं प्रेग्नेंट है। तो उन सभी चीज़ों को बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली इसी तरीके की वीडियोस को आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग हम देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसकी पैकेजिंग कुछ वाइट कलर के इस पॉलीथीनिंग पैकेजिंग के साथ में की गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, सेफ, प्रोटेक्टिव और वाटर प्रूफ है। इस पर मैनकाइंड लिखा हुआ, जो कि बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और मैनकाइंड ने बनाया है प्रेगा न्यूज़ को प्रेगनेंसी चेकअप के लिए, बेसिकली यूरिन के जरिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। यूरिन मतलब मूत्र, जिसे हम पेशाब भी बोलते हैं, उसकी मदद से प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाता है। केवल 2 से 3 ड्रॉप इस्तेमाल करना होता है इस मशीन के ऊपर। इस पैकेट के अंदर एक किट है, जिसे हम मशीन कह सकते हैं, उसके ऊपर हमें पेशाब के 3 से 4 बूंदें डालनी है, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। और इसकी मार्केट की मैं प्राइस बता देता हूँ दोस्तों, तो इसकी मार्केट की प्राइस है 50 रुपये। तो आप 50 रुपये में किसी भी मेडिकल शॉप से आसानी से इसे बाई कर सकते हैं। इस पर कई सारे स्टेप्स भी दिए हुए हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सुबह की पेशाब की ज़रूरत होती है, मतलब सुबह की यूरिन की ज़रूरत होती है। ये देखिए कुछ सर्कुलर कलर का यहाँ पर बना हुआ है, उसके ऊपर हमें 3 ड्रॉप लगभग मूत्र डालना होता है, मतलब पेशाब डालना होता है। 3 ड्रॉप डालने के बाद में 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाता है। अगर यहाँ पर 2 लाइनें बन जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर 2 लाइनें बन जाती हैं, इसका मतलब यह है कि महिला प्रेग्नेंट है। अगर 1 लाइन बनती है, 1 पिंक लाइन बनती है, तो महिला प्रेग्नेंट नहीं है। अगर 1 भी लाइन नहीं बनती है, तो मतलब ये मशीन ख़राब है, ये किट पूरी तरीके से ख़राब है, आपको दोबारा चेक करने के लिए नई मशीन लेनी होगी। और इसका इस्तेमाल फ्रेंड केवल एक ही बार किया जा सकता है, बार बार इस किट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं इस चेकअप को आगे बढ़ाने के लिए। उससे पहले कहना चाहूँगा फ्रेंड, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से इजीली। तो मैंने यहाँ से इजीली कट कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर की किट किस तरीके की होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी किट कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर 3 लाइनें बनी हुई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर यहाँ की 2 लाइनें पिंक फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ, HCG ये काउंट करता है, और जो ये बीच में ये बना हुआ है ब्रैकेट, इसके अंदर अगर 2 लाइनें बन जाती हैं तो महिला प्रेग्नेंट है। अगर 1 लाइन बनती है तो नहीं प्रेग्नेंट है, अगर 1 भी लाइन नहीं बनती है तो ये इनवैलिड माना जाएगा। और हमें ड्रॉप कहाँ पर डालना है, इसके अंदर ड्रॉप डालना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सर्कुलर गोलाकार बना हुआ है, इसके अंदर हमें ड्रॉप्स को डालना है। उसके लिए हमें इसके साथ में ये भी मिलता है कि हमें किस तरीके से इसे लेना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसको दबाएंगे इस तरीके से, दबाने के बाद में पेशाब के अंदर डाल देंगे, फिर छोड़ देंगे, तो ये भर जाएगा, ये भर जाएगा, तो ये भर गया फ्रेंड्स। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमको 3 ड्रॉप इसमें डालना होगा, तो हम 3 ड्रॉप डालेंगे दोस्तों। तो मैंने 3 ड्रॉप डाल दिया है फ्रेंड्स। अब हमें 5 मिनट तक वेट करना होगा। 5 मिनट तक वेट करने के बाद में ये हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए धीरे धीरे लाइनें आगे बढ़ रही हैं, अभी थोड़ा टाइम हो रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये लाइन बढ़ती चली जाएगी, और जब पूरा पहुँच जाएगा तो 1 लाइन बनेगी या 2 लाइन बनेगी। अगर 1 लाइन बनेगी तो प्रेगनेंसी नहीं है, अगर 2 लाइन बनेगी तो प्रेगनेंसी है। अगर फ्रेंड्स मैं कह देना चाहता हूँ, 1 भी लाइन नहीं बनी तो फिर ये इनवैलिड है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि 1 लाइन बन रही है, 1 लाइन बन रही है, इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें रिजल्ट पता चल चुका है कि यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं है। और इसके बाद अब हम इस किट को फेंक देंगे, दोबारा हमें यूज़ करना नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये इनवैलिड अब रिजल्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे 1 लाइन बनी है और डार्क पिंक लाइन बनी है, बिल्कुल ऐसे ही लाइन बनेगी फ्रेंड जब आप इसे खरीद कर टेस्ट करेंगे खुद।
तो यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं है दोस्तों, हमें टोटली पता चल चुका है। और अब मैं बता देता हूँ फ्रेंड, ये बिल्कुल भी यूरिन नहीं है, ये पानी है, तो एक ही लाइन बनना था, जाहिर सी बात है। तो फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ, इस पानी की मदद से हमने टेस्ट किया कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर ये किट सही तरीके से चल रहा है और प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पानी ही था। तो आई होप फ्रेंड्स आप टेस्ट करना चाहें फ्रेंड तो पेशाब की मदद से ही टेस्ट करें। यहाँ पे मैंने पानी का टेस्ट किया था और फ्रेंड्स मैंने बता दिया किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आप समझ चुके होंगे, आप सुबह का ही पेशाब लीजिएगा, मतलब यूरिन लीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।